तो गाइस देख सकते हो अभी इसका मैदा मैदा का अभी मसाज चल रहा है, क्योंकि मसाज इसलिए चल रहा है तब जाके हमारा बहुत अच्छा तरह से बनेगा। और क्या बनेगा ये आप लोगों को बताएंगे, लेकिन अभी अभी इसको मसाज धनिया कवर कर देते हैं, क्योंकि धनिया अगर नहीं रहेगा तो छोला खाने में मजा नहीं आएगा। तो देखिए कैसा दिख रहा हमारा छोला, टेस्टी टेस्टी। तो चलिए इसको अब हम लोग ढक देते हैं। तो गाइस देख सकते हो हमारा कितना फूला फूला एकदम बटोरा बना है, आप लोग देख लिए। तो ऐसे ही बनाइएगा, आप लोगों का भी ऐसे ही बनेगा बहुत, और खाने में भी बहुत यम्मी है। हम लोग एक खा चुके हैं, और छोला का तो बातें छोड़ो, छोला भी इतना टेस्टी बना है ना क्या ही बता सकते। करछी कहाँ गई आप लोग को दिखाते हैं। तो देख सकते हो हमारा छोला भी एकदम मोटा मोटा, अभी खा के नहीं दिखा सकते तो क्योंकि अभी खाने का मन नहीं है, बाद में खाएंगे। तो अभी देख सकते हो वाओ कितना बड़ा छोला भटूरा हमारा बन गया। तो गाइस हमारा छोला रेडी हो गया बनके, देख सकते कितना मजेदार कितना टेस्टी, और ये देख सकते हो। आइए खा लीजिए गर्मा गर्म आप सब भी। तो चलिए इसको उतारते हैं, गैस पहले बंद कर देते हैं। ओ मामा मामा वाओ क्या महक रहा है, महक रख लीजिए। तो अभी हम इसमें डाल देते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पे, आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस मैं भी मतलब आज थोड़ा ना बुखार लग रहा है, हमको ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि मैं बारिश का पानी में नहा ली ना, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा फिर भी। लेकिन क्या करें, आप लोगों को तो डेली ब्लॉग तो देना पड़ेगा ना, फिर नहीं तो मेरा जितने भी हमारे फैमिली है फिर मेरा इंतज़ार करते रहेंगे, फिर इसीलिए। तो डेली 2:30 बजे ब्लॉग अपलोड होता है, आप लोगों को तो पता ही है। और सबसे हाँ खा लेंगे, मतलब रेसिपी बना लेंगे, खा लेंगे, फिर खाना खाने के बाद दवाई खाएंगे। तो गाइस देख सकते हो किचन का लाइट कितने दिन से ख़राब है, तार खराब, होल्डर खराब, क्या खराब है समझ में नहीं आ रहा है। और कैसे इसी रूम पर अभी हम जो करेंगे यहीं पे करेंगे, जो बनाएंगे आज हम बनाने वाले बहुत स्वादिष्ट चीज़, जो सुबह में नाश्ता में सबको पसंद है ये चीज़। तो सुबह में सबको ये नाश्ता में पसंद है, तो हम बताएंगे नहीं क्या बना रहे, बस आप लोग देखते जाइए, लास्ट एंड में जब ख़त्म होगा तब बताएंगे कि ये क्या बन रहा है, तो आप लोग बताओगे। तो चलिए आप सब बने रहे, तब तक मैं सामान एक जगह ला के रखती हूँ। सो गाइस तो मैं रेडी कर ली हूँ, ये है नमक, ये है पानी, और ये है मीठा सोडा, देख सकते हो इसमें हम मीठा सोडा लिए जो खाने में डलता है। और ये देख सकते हो मैदा, और आप लोग बोलोगे ये कटोरी में क्या है, तो गाइस ये कटोरी में है सूजी, जो सूजी को मैं फुला के रखी थी, और दही। दही कहाँ गया, हम दही लाने भूल गए थे। गुदलू दो तो दही ला के दीजिए तो फट से। तो गाइस इसे हमने एक घंटा फुला के रखे, तो इतना सॉफ्ट इतना नरम एकदम सूजी हो गया। खट्टा दे दीजिए, दो दीजिए। तो ये देख सकते हो हमने 2 खट्टा दही लेकर आया 10 रुपये वाला। तो आज हम बनाएंगे बहुत टेस्टी बहुत स्वादिष्ट चीज़, चलिए आप लोग देखिए कैसे डालते हैं। और रिफाइन ऑयल तो लाए नहीं है, मेन कोई बात नहीं, साइड में हो जाते हैं। तो गाइस देख सकते हो तो मैदा में डाल चुकी हूँ, और इसमें हम लोग देगा इसको थोड़ा सा, हम लोग क्या बोलते हैं इसको साइड वैसे करने से, गोल से करने, जैसे आप लोग दाल बाटी खाते हो, दाल चावल खाते हो, बीच में सब्जी ले लेते, ऐसे ही कीजिएगा। अब इसमें से इसमें हम लोग डालेंगे नमक, नमक डालेंगे अपने अनुसार, जितना आप लोग नमक खाते हो उतना ही डालना है। अब इसमें हम लोग मीठा सोडा डालेंगे, बेकिंग पाउडर मत लीजिएगा, मीठा सोडा लीजिएगा, जो घर में जो चना उबालते हैं वैसा ले लीजिएगा। अब इसको हल्का सा मिला लेते हैं, तो ये हल्का मिल चुका है। अब पारी है हम लोग का मेन जो है हमारा सूजी, देख सकते हो। तो इसमें हम अच्छा से सूजी दे देते हैं, अब कितना दिए हैं आप लोग देख ही सकते हो कितना नरम। तो भाई ऐसे में बनेगा कितना टेस्टी। तो ये है सूजी, आप लोग को बार बार बोल रही है सूजी है, तो चलिए सूजी डाल दिए। अब इसमें हम लोग डालेंगे खट्टा दही,
क्योंकि जो है दही से ही होगा। वाटी देख रहा, सोच रहा मेरा दही तो नहीं खा रहा है। तो बस अब इसको हम लोग सानते हैं, मतलब मिक्स करते हैं। चल रहा है, मैंने हाथ में दर्द दिया ना तो दे दिया हस्बैंड जी को थोड़ा सा हम। तो चलिए, बट इसमें हम पानी नहीं मिला, बिना पानी का ऐसा दिख रहा है, वो फिर टाइट हो जाएगा। आप लोग को ऐसे दिख रहा है लेकिन ऐसा नहीं, गीला नहीं हुआ है। तो गाइस देख सकते हो एकदम पटक पटक के, पटक पटक के इतना सॉफ्ट हो चुका हमारा मैदा। और फिर पानी एकदम हम नहीं मिलाया, आप लोग पानी मिला सकते हो क्योंकि मेरा दही और जो सूजी जो दिए थे बस उसी से पूरा सना चुका था, इसलिए हम पानी नहीं मिलाया बिल्कुल भी। अब हम इसमें डालेंगे तेल, क्योंकि तेल से भी थोड़ा सानेंगे क्योंकि करकरा बनेगा टेस्ट। तो अब इसको हम लोग सानेंगे एकदम अच्छी तरह से मस्त। पूरा अंदर तक तेल जाना चाहिए, पूरा मस्त टाइप का एकदम, तब जाके बहुत अच्छा फूलेगा। इस बॉल में अभी हम लोग थोड़ा सा तेल मिला दिए, और क्योंकि हमारा जो मैदा था देख सकते इतना स्पंजी बन गया ना, क्या बोलिएगा। हमको तो लगता बहुत टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा जो भी बनेगा। इसको अभी कुछ देर इसको ढक देते हैं, तब तक हम लोग अपना जो चना मतलब छोला है उसको हम लोग रेडी कर लेते फटाफट, तब तक इसे फूलने देते हैं। तो गाइस तो हम दोपहर में ही छोला फुलाए थे, तो अभी हम इसको कुकर में डाल रहे हैं। तो इसको हम दो तीन बार धो चुके पहले, तो अब इसको हम लोग डालेंगे कुकर में। एकदम एकदम बराबर का पानी है। तो गाइस सीटी गुम हो गया था, आज बिना सीटी का हम सीटी लगाएंगे इसमें। तो चलिए इसको चढ़ाते हैं गैस में। तो गाइस चढ़ा चुके हैं, तो अभी सीटी गुम हो गया, कहाँ है नहीं मिल रहा है। जब खोजो तो नहीं मिलेगा, जब नहीं खोजेंगे ना तब जाके मिलेगा। तो चलिए देख सकते हो, तो इग्नोर करना थोड़ा सा गैस गंदा है इसलिए, क्योंकि ना अभी हम लोग दाल चावल बनाए इस वजह से। तो गाइस देख सकते हो तो सीटी नहीं है, तो आज हम थोड़ा सा मीठा सोडा देंगे हल्का गलाने के लिए, तो जल्दी गल जाएगा, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा, बहुत रात हो जाएगा, तो इसलिए हम थोड़ा सा सोडा मिला दिए। अब इसको अच्छा तरह से गलने देते हैं फिर इसको उतारेंगे। तो गाइस चलिए हम कढ़ाई चढ़ा लिए फटाफट, और कढ़ाई भी हल्का गर्म हो गया, तो हम लोग डालेंगे इसमें रिफाइन तेल, और आप लोग सरसों तेल भी ले सकते हो। तो मैं रिफाइन तेल से बनाऊंगी क्योंकि रिफाइन तेल से बहुत टेस्टी बनता है, तो मैं अपना अनुसार रिफाइन तेल डाल दी हूँ। अब इसमें इसको हल्का गर्म होने देते हैं। तो गाइस हमारा रिफाइन तेल गर्म हो गया है, इसमें सबसे पहले हम लोग डालेंगे जीरा। तो जीरा डाल चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे दो बड़े तेज पत्ता। तो ये हम छोला के लिए रेडी कर रहे हैं। छोला का लाल होने देते हैं। तो गाइस तो अभी हो चुका है हमारा हल्का लाल, अब हम लोग बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। इसको हल्का फ्राई होने देते हैं। तो गाइस हमारा प्याज लाल हो चुका है हल्का, तो अब इसमें है अदरक लहसुन और हरी मिर्ची इसमें डाले हैं, और एक आधा कटा हुआ प्याज, ये क्या है ग्रेवी बनाने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे उसका मसाला, फ्राई करना था एक ही बार फ्राई कर लेंगे तो इसीलिए। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कस्तूरी मिर्चा, कस्तूरी पाउडर, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हम लोग तीखे वाले इंसान है ना, वो तीखे ही खाएंगे। तो इसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए इसको फ्राई करते हैं, तब तक आप लोग बने रहे। तो गाइस हमारा मसाला काफ़ी भुना गया, तो अब हम लोग हल्का भुनाया, तो हम लोग इसमें दो कटा हुआ मतलब बड़ा बड़ा टमाटर दो टू काट के रखे थे पीस करके, अब इसको हम लोग थोड़ा फ्राई करते हैं, पकड़ने वाला नहीं है ना। तो चलिए इसको गलने देते तब तक टमाटर को। तो गाइस
काफी सारी मसाला भुजा गया हमारा। अब इसमें हम लोग डालेंगे पानी, नहीं पानी डालेंगे अपनी, थोड़ा सा पानी डालने होगा, थोड़ा सा पानी डालेंगे कि अगर हल्का मसाला कच्चा भी आएगा तो अच्छा से भुना जाएगा। तो देख सकते हो मसाला इतना टेस्टी बना है, तो छोला इतना टेस्टी बना होगा इस वजह से। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, तो इसको दो मिनट इसको डबकने देते हैं, तो डबल ही दिया है। तो देख सकते हो अभी थोड़ा दो मिनट से डबकने देते हैं। तो गाइस तो हमारा ये हो चुका है, तो अब हम लोग डालते हैं इसमें छोला जो उबाल लिए थे हम लोग। अब गल गया जितना गलने का था वो गल चुका है, तो अब देख सकते हो हमारा छोला। तो इसको हल्का सा थोड़ा सा पका लेते तब तक आप ब्रेक लीजिए, मसाला कम दिख रहा है। तो गाइस चलिए हमारा छोला फ्राई हो गया हल्का, अब इसमें डालते पानी। कितना सुंदर दिख रहा है पकने के बाद। तो अब इसमें हम लोग डालेंगे गरम मसाला MDH का, मेन तो गरम मसाला ही है इसका। तो चलिए इसको थोड़ा खोलने दीजिए, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को। छोला रेडी हो गया है, तो देख सकते हो कितना मस्त दिख रहा है। देखिए ये देखिए सामने दिखो। तो चलिए अब इसमें हम, तो गाइस अभी देख सकते हो अभी हम लोग तेल डाल रहे हैं रिफाइंड तेल, देखते कम पड़ जाएगा कि ज्यादा होगा, फिर नहीं तो और ऑयल डालेंगे, और थोड़ा लगेगा शायद, तो बस हो ही जाएगा तो ये भी ठीक है। चलिए पहले इसमें ट्राई करते हैं, अगर कम पड़ेगा तो बाद में ऊपर से और डाल देंगे। तो गाइस तो बेलना चौके लेके आ गए हैं, और देख सकते हो हमारा फूल के इतना बड़ा हो गया देखिए। तो चलिए इसको गोला बना लेते पहले। तो गाइस हम गोल से निकाल लिए, तो देख सकते हो हमारा आटा कैसे गूंध रहा है। इसको हल्का सा निकालने के बाद थोड़ा सा गूंध लीजिएगा, और हल्का हल्का हाथ से इसको गूंधिएगा, ज़्यादा दबाइएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसको इतना पिटाई पड़ा, इतना पिटाई पड़ा ना ये हो चुका है पहले ही रेडी। देखिए कैसा फूल रहा, देखिए पुआ जैसे। तो इसको हम लोग अभी बापू तनिया सो गया है, तो अभी हम लोग ज़्यादा नहीं, छः ठो तो शायद हो जाएगा, 6-7 लोइया काट लेते हैं। तो गाइस चलिए लोइया काट लेते हैं, और इसको एकदम अच्छा से ऐसे मलना है, एक भी फटा दरा नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो हमारा पूरी नहीं फूलेगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा तेल लगा लेते, तेल में डीप कर लेते। तो फ्रेंड तो देख सकते हो मैदा काट लिए, और इसको हम तेल में डीप तेल से निकाल लिए। अब इसको हम थोड़ा से हाथ में ऐसे कर रहे हैं। अब चलिए इसको हम लोग हाथ से तो नहीं सकेंगे, क्योंकि अब हम लोग भाई ये तो नहीं है, क्या बोलते उसको, सॉफ्ट है ना, जितना भी बेलेंगे ना उतना ही छोटा होते जा रहा। देखिए तो चलिए हमारा बन गया सब कुछ। महक तो बहुत अच्छा आ रहा है, और इतना टेस्टी बना कि कुछ बोल भी नहीं सकते आप लोगों को। बस कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके जरूर से बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और जरूर से बताइएगा कि आज का रेसिपी कैसा बना, कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और नेक्स्ट ब्लॉग आप लोगों को क्या चाहिए ये भी बता दीजिएगा। तो गाइस तो आप लोग देख सकते हो साइज कितना बड़ा है, एकदम मार्केट जैसे साइज बड़ा कर दिए सब पूरी का। बस लास्ट में जो ये वाला भी, ये देखिए सब फूला है, बस ये छोटू सा छोड़ के बाकी सब फूल के एकदम ये हो गया, और ये देखिए